नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का लाइव और मैं हूं आपके साथ इला नैन। हमारे फेसबुक और यूट्यूब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लाइव का विषय है जिंदगी में बदलाव कैसे लाया जाए। तो इस बदलाव की शुरुआत कैसे करनी है, कहां से करनी है और कब करनी है, यही सिखाता है सहज योग। सहज योग जीवन को सरल बनाने का आसान तरीका। लेकिन आखिर ये सहज योग क्या है? दरअसल सहज योग की स्थापना माता जी निर्मला देवी के द्वारा की गई थी। स्क्रीन पर अब आपको एक तस्वीर दिखेगी। तो स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो माता जी की है। आप में से कई लोग इन्हें फॉलो करते होंगे और कई इनसे परिचित होंगे। दुनिया को सहज योग से परिचित कराने वाली माँ ही थी। माँ निर्मला देवी की पूरी दुनिया में कई फॉलोअर्स हैं। सहज योग की खासियत है कि ये जाति, रंग, देश के बंधन से या फिर भेदभाव से मुक्त है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन लाइव में। एक दफा आप सभी कमेंट बॉक्स में हाय, हेलो, नमस्कार कुछ भी लिखकर भेज दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी इस लाइव को देख रहे हैं। लाइव चर्चा किस बात पे होगी सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले आप शेयर का बटन जरूर दबाइए ताकि आज जो सहज योग पे इतनी बेहतरीन बातचीत होने वाली है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, आपके जो घर वाले हैं उनके जरिए भी पहुंचे, उनके पास भी पहुंचे। इस लाइव में आज सहज योग पर चर्चा होगी। साथ ही हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और एक बहुत ही स्पेशल आज आपको प्रक्रिया करके हम दिखाएंगे। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपको एक बिल्कुल माइंडसेट बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी और फौरन ही सब बदलाव दिखेगा कि आप वाकई सहज योग की शक्ति लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट कराना चाहूंगी। तो संजय तलवार जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। सर बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कई फिल्में आप बना चुके हैं, साथ ही आपकी खासियत ये है कि आप आध्यात्मिक फिल्में बनाते हैं। तो गृह लक्ष्मी आपकी सबसे पहली फिल्म आई थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहज योगी हैं आप और मुझे लगता है कई सालों से, 30 साल से भी ज़्यादा से आप शायद सहज योग के साथ जुड़े हैं। 40 साल, लगभग 40 साल। जी जी, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवगन सर भी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं और इस वक्त आप यहाँ पर जो मौजूद हैं वो एक सहज योगी के रूप में मौजूद हैं। सर ने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कहें तो सहज योग को दे दी है और अभी आप शायद बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सहज योग के जरिए बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। तलवार सर, मेरा जो पहला सवाल है और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये सहज योग क्या है। हम इसके चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, हम इसके लाभों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या है ये सहज योग? अपने आप को पहचानने का एक जरिया है। अक्सर हम लोग अपने जीवन में, दुनिया में खोए रहते हैं मगर अपने अंदर नहीं झांक के देखते कि हमारे अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को चला रही। तो सहज योग से मेरे जो समझ आई माता जी के साथ रहकर, ये कि सह मैंने आपके साथ ज मैंने जन्मी हुई जी। वो कुंडलिनी शक्ति जी। जो इस आदि शक्ति मतलब जो परम शिवा की जो शक्ति है इस चराचर में, उसका एक अंश, एक उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूप, हमारी रीढ़ की हड्डी के त्रिकोणाकार अस्थि में बचपन से हमारी पैदाइशी से सो रहा है। ओके। और ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज़ का इजाद हुआ है जी। मगर ये है कि इन शास्त्रों के द्वारा हम लोग समझ नहीं पाते, संस्कृत नहीं पढ़ पाते जी। तो श्री माता जी निर्मला देवी जी ने इसको बहुत सरल तरीके से पूरे ब्रह्मांड के सहस्त्रार को खोल के, अब आपको ये बताऊं कि ये सहस्त्रार क्या है जी। ये हमारे सर के ऊपर एक चक्र है जिसे क्राउन चक्र कहते हैं और ये जब खुल जाता है जी, तो इसके खुलने से हमारे बीच का रास्ता जो है हमारा, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जिसे कहते हैं, जिसे एवोल्यूशनरी पाथ कहते हैं, उससे ये कुंडलिनी जाग जाती है और हमारे अंदर के जो प्लेक्सेसेस हैं, जो चक्र हैं, जिसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, जो लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, उसमें ये जाहिर है कि ये कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों को प्लावित करती है और इनको प्रसारित करती है और इनमें शक्ति देती है। और उसके बाद इस सहस्त्रार चक्र से जब बाहर आती है तो एक ठंडी फुहार की तरह वो सर के ऊपर महसूस होती है और उसके बाद
ऐसे लगता है जैसे एक 3-पिन प्लग लगा दिया गया हो किसी इलेक्ट्रिसिटी में, और जैसे ही वो प्लग लगता है तो पूरी बिजली जो है, जैसे पूरा जो भ्रम की शक्ति है, परम चैतन्य है, वो हमारे इस शरीर में, हमारे मज्जा तंतु में बहने लगता है, और हमारे हाथों में ठंडी हवा और सर के ऊपर ठंडी हवा आती है, और इसको हम योग कहते हैं। योग मैंने होता है यूनियन, युज जी, और सहज सरल, और योग ये है सहज योग, कि आपके अंदर एक शुद्ध इच्छा हो कि मैंने इस शक्ति को पाना है, मैंने अपने अंदर झांक के अपने इंसान को समझना है, और उसके बाद जब ये शक्ति आपके अंदर आने लग जाती है, जब ये सहस्त्रार का द्वार खुल जाता है आपकी शुद्ध इच्छा से, उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार जी, और ये सहज योग का पूरा सार है। वाह सर, अच्छा मैं देख रही थी देवगन सर, जब संजय सर एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा सहज योग क्या है, उनके चेहरे पे तो मुस्कान थी, लेकिन आपके चेहरे पे भी एक बहुत शांत मुस्कान दिख रही थी, तो क्या महसूस कर रहे थे जब सर जब आप ये सब बता रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि इज ऑल इज अ ट्रुथ, ये एक सच्चाई, वो सच्चाई है, नोबडी कैन चेंज। सच्चाई यही है कि हम सब अपना क्या कहते हैं, उस परम शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, इंसान की यही एक शुद्ध इच्छा है, वही है जो सारे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है, कण कण में, हवा पानी, ऐसा कोई जगह जहाँ नहीं है, उससे हम जुड़ जाते हैं। आपसे मेरा सवाल देवगन सर ये है कि आपका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं काफी, तो कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए सहज योग से? क्या आपने खुद बताया कि आप 18-18 घंटे उस वक्त काम करते थे, तो समय तो बचता ही नहीं था, दिन के तो 24 घंटे ही हैं, तो फिर क्या क्या आपने उस समय महसूस किया कि आप जुड़ गए बस सहज योग से? एक्चुअली जब भाई छुट्टी पे आया मैं, श्रीनगर रिपोर्टेड था जी, बच्चों ने ये सेल्फ लिया है, तो फिर उनके साथ मैं भी अपना उन्हीं से सीखा पहले तो मैं, और फिर वो हम सहज मंदिर वगैरह गए सब उसी से, गॉट द सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू माय चिल्ड्रन ओनली, माय वाइफ, और दे कैन गिव, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब समझा मैं, तो पहले जैसे हम आम हिंदुस्तानी करते हैं, सभी देवी देवताओं की हम फोटो भी रखते हैं अपने पास, हनुमान जी की, राम कृष्ण सभी सभी देवताओं की, उन्हीं को पूछते थे, जैसे मंडे को उसका क्या करें व्रत रखा हुआ है, संडे थर्सडे को अपना वैष्णव भगवान जी अपना वो व्रत रखते थे, ऐसे सब किया करते थे हम भी पहले। और जब धीरे धीरे समझ आया, क्योंकि मैं ऑफिस छुट्टी आया था एक आध हफ्ते के लिए, वेंट बैक टू श्रीनगर, तो जब बाकी सब समझ आया कि अरे वाह, तो फिर वो सभी फोटो मैं देखा कि जरूरत ही नहीं है, सभी एक ही हैं, वो सभी उसी के अंदर हैं, सभी एक ही देवते, तो फिर ऐसे देन रियलाइज किया, तब इस वजह में कितना देर बाद अपना इस एज में जाकर मैं मुझे 1993 में समझ आया, फील दैट दोज आर वेरी लक्की जो कि छोटी उम्र से ही जो जुड़ जाते हैं, बिग डिफरेंस, और इससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है कंप्लीट। बिल्कुल, हमारे कई सारे यूट्यूब के दर्शक जुड़ गए हैं, सभी जय श्री जी कह रहे हैं, तो काजल जी, शम्मी जी, शैलेश जी, नरेंद्र जी, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपके कोई भी सवाल हो, सहयोग से जुड़े हुए कोई कंफ्यूजन हो, या कोई भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ तलवार भी हैं, देवगन सर भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है अपनी अब तक की ज़िंदगी में सहज योग से जुड़ी हुई चीज़ें, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सवाल लिख भेजिए। सर, आप एक बार हमारी पहले जब बातचीत हुई थी, तो आप एक तकनीक के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपने कहा था कि इलाजी देखिए, अगर आप अभी 5 मिनट दे देंगी अपने आज के समय का, तो आप महसूस करेंगी वो शांति। और आजकल में सर, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं रह गए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे जा रही है, बहुत सारा हमारा समय जो है वो ऑफिसेज में जा रहा है, नहीं तो बच्चों का पढ़ाई में जा रहा है, तो ऐसे में शांति बहुत ज़रूरी है, तो बस वो 5 मिनट की तकनीक मैं सभी दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगी। तो पहले मैं ये हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, गोरा चिट्टा छोटा बड़ा, किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी देश का हो, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति उसके हर एक की रीढ़ की हड्डी में ये समाई है, और इसको जागने के लिए केवल आपको शुद्ध इच्छा करनी है। हमारे शरीर के 3 भाग हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक सेंटर। लेफ्ट जो है वो हमारे पास से कनेक्टेड है, राइट जो है हमारे फ्यूचर से कनेक्टेड है, मैंने पास मैंने हम अपने बहुत सोच विचारों में रहते हैं, और
हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, तो ये सारे सोच विचार की जिंदगी हमारी हम बसर कर रहे हैं। और जो सेंटर है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना का पाथ, जिसको एवोल्यूशनरी पाथ कहा जाता है, उसमें ये शक्ति नीचे विराजमान है, जिसको जगाने से ये आपकी शुद्ध इच्छा से, मैंने आपके ऊपर ये मढ़ा नहीं जा सकता, मैंने आपको इसको मांगना पड़ेगा। पर इसके पीछे भी एक राज है कि क्यों मांग रहे हैं हम लोग, हम कर ही क्यों रहे हैं ये काम। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुखी हैं, हमारे को कोई ना कोई सब चीज़ सता रही है, वो हमारे विचारों के थ्रू, क्योंकि हमारे अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं और अलग अलग किस्म के रिश्ते हैं, और उनको निभाने के लिए हमको कितना जूझना पड़ता है ज़िंदगी के साथ, और कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, और ये हर इंसान की कहानी है। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाए, अपने अंदर वो शक्ति अनहित किया जाए कि हम उस शक्ति को ग्रहण करके और फिर उसको अपने अंदर से अपने आप को जान जाते हैं। जैसे ही हम अपने आप को जान लेते हैं, हमारे अंदर की सारी ये जो विचार हैं ये बंद हो जाते हैं। तो कुंडलिनी के जागरण से पहला आपका जो एक्सपीरियंस है वो है निर्विचारिता, और निर्विचारित होने के बाद आपके अंदर वो शक्ति जब आती है तो आप उसकी प्रवाह अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। यदि आप में ये इच्छा है करने की, तो अपने जूते उतार लें और जो जमीन पर बैठे हैं जमीन पर बैठे रहें, और दोनों हाथ आप करें मेरी ओर। मैं यहाँ माँ का चित्र आपके सामने रख रहा हूँ, अब आप दोनों हाथ मेरी ओर करें और इस चित्र को देखें, और देखते देखते आप कोई भी विचार न करें। हम सब भी करते हैं जी, मुझे भी बताइए। दोनों हाथ खोलें और बिना किसी सोच के आप ऐसा करें कि बिना किसी सोच के, बिना झिझक के आप अपने हृदय से मांगे कि हे माँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दो और मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान करो। आपकी कुंडलिनी शक्ति श्री माता जी की कृपा से स्वयं जाग जाती है जब आप ये शुद्ध इच्छा को प्रकट करते हैं। और आपको बस कुछ नहीं करना है, एक हाथ आप लेफ्ट हैंड ऐसे खोल के रखिए और राइट हैंड जो है वो धरती की ओर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि आपकी जो लेफ्ट नाड़ी है, जो आपकी ईडा नाड़ी है, जो आपशा की नाड़ी है, उसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी मन मटाव जो आपके जीवन में चल रहा है, हलचल, वो ये धरती माँ को बोलो कि खींच ले। तो आप अपने हृदय में कहेंगे, हे माँ, मेरी लेफ्ट साइड की हर तकलीफ को आप इस धरती माँ में लीन कर दें। हम माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक माँ है। माता जी को हमने अपनी आध्यात्मिक माँ समझा है, एक हमारी जन्मदायी माँ होती है और एक हमारी आध्यात्मिक माँ होती है। तो थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि लेफ्ट हैंड में आपके थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशंस या चैतन्य की लहरें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। अब आप इस हाथ को वापस अपने सामने ले आए और राइट को आप आकाश की ओर कर लें, लेफ्ट हैंड को आप आकाश की ओर कर लें और राइट हैंड श्री माता जी की तस्वीर की ओर कर लें। अब आप कहेंगे कि हे माँ, मेरे अंदर की जितनी भी गर्मी है मेरे राइट साइड की, जितने भी मेरे सोच विचार हैं जो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब माँ मैं चाहता हूँ कि ये आकाश तत्व में लीन हो जाए और मेरे अंदर के ये सब विचारों को आप बंद कर दीजिए। मुझे केवल अपने अंदर शांति चाहिए, मुझे निर्विचारिता चाहिए जी। सारी गर्मी को हिमालय की ओर छोड़ दें, हिमालय की तरफ आपका हाथ जा रहा है ऊपर आकाश को, और ये गर्मी सारी हिमालय में छोड़ दें। माँ मैं कुछ नहीं करता, केवल आप ही सब कुछ करती हैं, आप ही देती हैं और आप ही उसको भोगती हैं और आप ही इंजॉय करती हैं। मैं तो केवल एक मात्र आपका एक बच्चा हूँ, जो मैं केवल चाहता हूँ कि मैं सुखी हो जाऊँ और संसार को सुखी होते देखूँ। बिल्कुल, जैसे ही आपने ये दोनों इच्छाएं अपने हृदय से करी, तब आप दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करें और अपने चित्त को अपने संस्कार के ऊपर लगा के, अब आप चाहे तो अपने हाथ को यहाँ रख सकते हैं और अपनी चमड़ी को 7 बार घुमाएं क्लॉकवाइज, जहाँ पे आपका तालू भाग है सर के ऊपर, हथेली को
अच्छी तरह तान लें और सेंटर ऑफ द पाम से आप इसको 7 बार घड़ियाल की तरह चमड़ी को घुमाएं और हर बार आप कहें कि हे माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर, हे माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर। 7 बार कहिए, 7 बार घुमाइए। अब आप अपना हाथ थोड़ा 2-4 इंच ऊपर ले जाइए और महसूस कीजिए कि आपके सर के बीच में से कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही, हथेली को छू रही। अब आप इस हाथ को नीचे ले आए और लेफ्ट हैंड से उसी जगह पे देखें जहां पर आपने दबाया था, थोड़ा 2-4 इंच ऊपर नीचे करके देखिए, थोड़ा सा तो जगह घुमा के देखिए। किसी एक जगह पे हथेली में ऐसे लगेगा कि सर के बीच से कोई ठंडी या फुहार आपकी हथेली को छू रही। इसी तरह फिर से राइट हैंड से देखिए, एक बार फिर चेक करें। अब आप दोनों हाथ आकाश की ओर करें, दोनों हाथ, मैं एक ही कर रहा हूं, और ऊपर देखें, आकाश की ओर देखें और कहें, हे प्रभु, हे माँ, क्या ये आपकी प्रेम की शक्ति है, क्या ये परम चैतन्य है। 3 बार कोई भी प्रश्न करें, क्या ये प्रेम की शक्ति है, क्या ये परम चैतन्य है। अब आप दोनों हाथ अपने हृदय के लेवल पे ले आए। अब आप कुछ भी विचार ना करें। अब इस समय आप विचार स्थिति में पहुंच सकते हैं। यदि आपने हृदय से ये कार्य किया है, जो भी हमने आपसे अभी कराया है, और आपको चीज याद रखनी है कि आप आत्मा हैं, आप ये शन मन बुद्धि अहंकार शरीर नहीं, आप केवल एक आत्मा है और आत्मा बिल्कुल निर्दोष होती है। तो कोई भी किस्म का दोष अपने ऊपर ना लीजिए और सबको क्षमा कीजिए, सबको क्षमा कीजिए। यह ना सोचिए किसी ने आपके साथ क्या किया, बस क्षमाशील हो जाए। बिल्कुल सर। और आप देखेंगे कि आपके मुंह में तेज, हाथों में ठंडी हवा और अच्छा अनुभव, जिसे हम आत्म साक्षात्कार, और जिन्होंने इसको पाया होगा उनको मुबारक हो। थैंक यू सर। अब मैं अपने दर्शक, अपने जो विधि सर ने बताई, अगर आपने की है और ऐसे जब हाथ रखे आपने दोनों, तो आपको ठंडी हवा महसूस हुई या गर्म हवा महसूस हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, तो हम फिर पूछेंगे सर से कि गर्म हवा महसूस होने का मतलब क्या है और ठंडी हवा महसूस होने का मतलब क्या है। तो अगला सवाल मेरा सर आपसे है, मेरा सवाल नहीं है, ये मधु शर्मा हमारी लाइव यूजर है, उनका सवाल है, क्या सहज योग से फैमिली प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं? हर टाइप की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, चाहे फैमिली की हो। हम सहज योग में ये कहते हैं कि ये आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने आप ही मिलते हैं। और जो ठंडी और गर्म हवा बात बता रही हैं, गर्म हवा उनको महसूस होती है जब हमारा कोई चक्र थोड़ा सा कोई कैच हो, वो जब हम धीरे धीरे करते हैं, वो भी फिर धीरे धीरे आप ठंडी हवा महसूस करेंगे। और ये जितनी चीज़ें हैं, ये 4 जो चीज़ें हैं, जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब है एवरी टाइप ऑफ डिजीज, ये सब कुछ कवर करता है। सहयोग तो एक ऐसी चीज़ है जी। तो जब आप करते हैं, आपका भी ये वेल्थ भी, पैसा भी, आपका सब प्रॉब्लम्स, घर की हर टाइप की प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाती है। हेल्थ सबसे अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी से कहते हैं वेल्थ, और इकोलॉजिकल बैलेंस भी, ये सब आपको अपने आप ही मिलता है, बिना मांगे मिलता है। जब आप उस परम चैतन्य से जुड़ जाते हैं, ये सब चीज़ें अपने आप ही मिलती हैं। आप एकदम शांत, सेटिस्फाइड, आपके चेहरे में हमेशा सेटिस्फेक्शन रहेगी, स्माइल रहेगा जी। थैंक यू सर। तलवार सर, रवि जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मेरा करियर कई सालों से बहुत खराब चल रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे वो फल नहीं मिल रहा, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है जितनी मेहनत मैंने की है, तो क्या सहज योग इसमें मदद कर सकता है? एक्चुअली बहुत सारे यूजर्स के हमें पहले भी ये सवाल आए हैं, जब हमने लोगों को बताया कि हम सहज योग पे कर रहे हैं, कहना ये था कि जी आप ये बताइए कि भौतिक क्षेत्र में जो लाभ है, क्या वो मिल रहा है इससे? हाँ, मैं तो हाँ कहूँगा, क्योंकि मैंने जीवन में ये देखा है कि जब मैंने सहज योग का प्रैक्टिस शुरू किया और जब मुझे ये ठंडा आने लगी और मेरा मन शांत हो गया और मुझे मेरी अपनी कमियाँ आने लगी,
तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें जो मुझे मेरे लिए ख़राब है वो झड़ने लगी, वो छूटने लगी, और जैसे ही वो छूटने लगी हर चीज़ अच्छी होने लग गई। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती थी। आज मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मिल सकती है, मगर आपको पूरे हृदय से, पूरी दृढ़ता से इस ध्यान को करना है, अपनाना है, इस शक्ति को महसूस करना है और अपने अंदर वो शांति को महसूस करना है, और फिर आप देखें कि क्या कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। देखिए प्रथमेश ने तो जवाब दे दिया है, थैंक यू सो मच प्रथमेश। बता रहे हैं, कह रहे हैं ठंडी हवा महसूस हुई, बहुत सुंदर, नेवर एवर फेल्ट सच ब्लिसफुल। तो ठंडी हवा का आई थिंक सर आपने बताया था कि क्या मतलब है, गर्म हवा का क्या मतलब, मुझे गर्म हवा फील हुई दोनों हाथों से। हाँ, जैसे कि जब आपके हाथ में कुछ विकार हो, हमारे बॉडी में कुछ विकार हो, कुछ चक्र कैच हो रहा हो, अच्छा, उससे होती है। जब वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद विशुद्धि चक्र जी 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 वो क्लियर हो जाता है, फिर हमें ठंडी हवा भी महसूस करती है। आप इसको मांग सकते हैं, हाँ, माता जी मेरे जो इस चक्र में जो भी विकार है मुझे इस शक्ति का आभास कराइए, मुझे ये ठंडी हवा, ये मांगा मिलेगा। लेफ्ट और राइट बेसिकली हम लोग जीते हैं उसमें, अच्छा। हमारे विचार पास्ट या फ्यूचर के रहते हैं, तो उसका जो मिश्रण होता है वो हमारे चक्रों को असर करता है, तो चक्रों में खिंचाव आता है लेफ्ट या राइट, पर जब कुंडलनी जागती है तो वो चक्रों को बीच में ले आती है। जब वो बीच में लाने का जो प्रोसेस होता है उससे गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जब वो सेंटर में आ जाता है सफाई होनी शुरू हो जाती है, तो बाद में जो कुंडलनी का अपना स्वरूप है वो ठंडा है, तो आखिर में उनको ठंडा ही आएगा। ओके, तो कई सारे लोग मुझे लगता है गर्म हवा उन्हें महसूस हुई, कई सारे लोगों को ठंडी हवा महसूस हुई। अगला सवाल टीना पूछ रही हैं, कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, डरावने सपने भी होते हैं और कुछ कुछ में चलता ही रहता है, तो क्या सहज योग मददगार है? बिल्कुल, आप जब आपके कुंडली आज्ञा चक्र पे आ जाती, हमने अभी चक्रों के बारे में बताया नहीं, जी जी जी, जैसे हमारे 6 चक्र हैं और 7वां सहस्रार है, तो 6ठा हमारा चक्र आज्ञा चक्र है, तो जब वो आगे पे आती है तो ऑप्टिक क्यास्मा में वो हमारी लेफ्ट और राइट की जो शक्तियां हैं वहां पे जो गुजरती है, तो जगह का एक द्वार खुल जाता है हमारा, उसमें हम लोग निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही हम निर्विचार होते हैं ये सब तकलीफें आपको छोड़ के चली जाती है। जितना जितना आप इस ध्यान को करें और निर्विचारिता को महसूस करेंगे, ये सपने, ये तकलीफें जो आपको घेरे हुए हैं, ये विचार, ये सब आहिस्ता 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 खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आपसे मैं अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। डिप्रेशन आजकल बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, और मेंटल हेल्थ को अगर हम भारत की बात करें तो हम बहुत जागरूक नहीं हैं। हमें पैर में लगी चोट दिख जाती है, लेकिन हमें अगर परेशान है कोई व्यक्ति तो हमें उसकी परेशानी नहीं दिखती है। तो क्या मेंटल हेल्थ में, स्पेशली जो युवा हैं आजकल के हमारे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो स्पीकिंग ट्री के दर्शक ज़्यादातर युवा हैं, तो युवाओं में ये डिप्रेशन और एक मिसिंग ऑफ फियर होता है ना, वो बहुत ज्यादा आ गया है, तो कैसे योग मदद कर सकता है? जैसे अभी संजय साहब बता रहे थे, लेफ्ट साइड भी है, हर इंसान हमेशा या तो पास के बारे में सोचता रहेगा या फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर राइट साइड है जो पिंगा नाड़ी है, ये फ्यूचर हमेशा हर इंसान कभी पास के बारे में या फ्यूचर के बारे में, हमें हमेशा खाली वर्तमान रहना चाहिए, बैलेंस में। जब वर्तमान में अभी से इसी मूवमेंट से अच्छा सोचना और अच्छा करना शुरू करेंगे तो आपका फ्यूचर उसके बारे में हम नहीं सोचना चाहिए, वो अपने आप अच्छा होता रहेगा। जब आपको हम इसी समय बदल लेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे हमेशा, तो आपके सब और सहज में करने के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, सब मेंटल भी, ये भी। ये आप करिए, ये करने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ नहीं है, तो आपको महसूस फील करने की जीवंत क्रिया है ये। आप अपने जब आप वर्तमान में जियेंगे, पास भी अच्छा होता रहेगा अपने आप उसका आज से ही, और फ्यूचर अपने आप ही, मतलब डिवाइन एरिया है। देखिए मैं तो कहूँगा कि हमारे अंदर शायद प्रेम की कमी है, क्योंकि ये शक्ति प्रेम की शक्ति है। तो जब हम अपने अंदर प्रेम बढ़ा लेते हैं, अपने हृदय को खोल के एनॉर्मस कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को भी मतलब ले आते हैं जिसके ऊपर हम लोग कार्य करें और हेल्प करें, अगर हमारे अपने एटीट्यूड्स इस तरह के हो जाएं, विशालता आ जाए हमारे अंदर जी, तो डिप्रेशन छोड़ देगी जी। सर देखिए समय की बहुत कमी है, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी। गृह लक्ष्मी एक आपकी द अवेकनिंग करके पिक्चर आई थी जी, जी, और मैंने उसका ट्रेलर देखा है, और मैं क्या बताऊँ, आप सभी दर्शकों से कहूँगी कि आप एक दफ़ा उसको ज़रूर देखिएगा। जितने ये सवाल आ रहे हैं कि रिश्ते बिगड़ गए हैं, परेशानी है, हम पास्ट में फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, हमें कोई परेशान कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, तो लगभग
ऐसी ही दो बहनों की कहानी दिखाई है कि पहले बहुत प्यार है लेकिन कुछ क्लैश हुए, देन प्यार नहीं रहा और बहुत ज़्यादा दिल अलग हो गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा सहज योग ने क्या कर दिया कि वो दोनों बहनें दोबारा से और बल्कि पहले से ज़्यादा प्यार से रहने लगीं? तो बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया कि ये प्रेम की शक्ति है और दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति रिश्ते के हिसाब से प्रेम तो था, मगर एक जो थी वो अपने लिए सोचती थी कि मैं किसी बड़े बड़े हस्बैंड को अपनी ज़िंदगी में लाऊं जहाँ मेरे पास बहुत पैसा हो, और जो दूसरी थी वो सिंपल सी थी, वो मेडिटेशन करती थी, वो चाहती थी मेरी बहन भी करे। तो बाद में बहन को ये दिखा कि मेरी छोटी बहन कितना त्याग कर रही है और कैसे मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, वो उसको रियलाइज़ हुआ और उसने जाके मेडिटेशन शुरू करी, क्योंकि उसने अपनी बहन को देखा कि ये कैसे उभर के आई है इतनी बढ़िया। तो इस करके उसको वो हुआ, प्रोत्साहन हुआ और वो भी सहयोग करने लगी, और जो कि उसके अंदर अंदर की इच्छाएं थी कि मैं, मेरे को ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले, वो ऑटोमेटिकली ईश्वर ने उसको वो दे दिया। तो मेरे का आइडिया यही था छोटा सा कि अगर आप सरेंडर कर देते हो अपने आप को कम्प्लीटली ईश्वर के प्रति, इस प्रेम के प्रति, तो आप देखिए कि वो प्रेम की शक्ति कैसे आपको वो सब कुछ दे देती है जो आप, जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत लड़ रहे हो, वो आपको सहज ही मिल जाता। पर सर ये प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं, हम सुन लेते हैं लोगों का, लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। तो कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि आपने और आपने कैसे शुरू किया और कैसे आप इस चीज़ को, सहज योग को प्रैक्टिस में लेके आए। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप धरती माँ में एक बीज डालते हैं, जब उसे पानी देते हैं फिर वो खुद फल उगता है, उसी तरह फिर हमें सुबह और शाम हमें ध्यान करना पड़ता है। यही प्रैक्टिस जो आपने अभी बताई, यही माता जी की तस्वीर लेके, अपने अपने आप को ना पास्ट में रखे ना फ्यूचर में, वर्तमान में ही जिए हम। अच्छा अच्छा। और यही मेडिटेशन है, माँ की फोटो के आगे जो हाथ जगह बैठते हैं और सुबह शाम शुरू शुरू में आप एक आध देखिए, आप इसी में करिए, आप देखेंगे अपने आप चमत्कार होते जाएंगे, आप हमेशा बैलेंस में रहेंगे, शांत हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा आपको। जी समय की कमी है, एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगी। शम्मी कपूर जी पूछी, और को सेल्फ रियलाइजेशन कराना हो तो कैसे कराएं? देख ले तो आप पा लीजिए इसको, अच्छी तरह से इसको महसूस कीजिए, इसको समझिए, अपने चक्रों के बारे में जानिए। हमारे पास पूरी साइंटिफिक नॉलेज है, हमारे पास वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थोड़ा अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए, इस प्रेम को, इस शांति अपने अंदर महसूस करिए। जब ये आपके अंदर आ जाएगा तो आप, आपके ऊपर झलकेगा, आप ऐसे इंसान बन जाएंगे कि जहां आप जाएंगे वहां पे लोगों को ये अपने आप मिलने लग जाएंगे। आप जाएंगे, आप बोलने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर से क्या बह रहा है, क्योंकि ये प्रेम की शक्ति आपको इतना सक्षम कर देती है, आपको आपका गुरु तत्व जाग जाता है, आप फिर दूसरों को गुरु बना सकते हैं, आप स्वयं गुरु बन जाते हैं और दूसरों को दे देकर आप भी गुरु बन जाते हैं। वाह सर, बेहतरीन चर्चा थी सर। मैं क्या बताऊँ, सबसे बड़ी चीज जो महसूस करी और जो हमारे ने भी महसूस करी, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी बताया, जो आपने विधि बताई, तो वाकई जब इंसान कोई ऊर्जा फील करता है, कोई एनर्जी फील करता है, तो वाकई वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तो ये एक वही चीज़ थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला स्पीकिंग ट्री के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी, आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे सारे दर्शकों की तरफ से भी आपका धन्यवाद। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हमारी जो नई फिल्म आ रही है महालक्ष्मी दी एवोल्यूशन, जी वो आप लोग जरूर देखें, हम आपके साथ उसके ट्रेलर और उसके सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। शायद इसी साल के आखिर में या फरवरी तक हम इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल, हम भी, हमें भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में कोई स्पिरिचुअल टच की, आपको उससे बहुत सारी टीचिंग्स मिलती हैं और साथ में वो एंटरटेनमेंट भी होता है थोड़ा सा, और आपको टीचिंग्स भी मिलती है। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई आपकी फिल्म के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी मैं कि देखिए, सिर्फ आज कोई भी चीज़ कर लेने से, सिर्फ आज किसी चीज़ के बारे में जान लेने से, सिर्फ एक चीज़ किसी चीज़ के बारे में कर लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव लाना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार 21 दिन तक, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने कहा है 21 दिन तक अगर आप कोई एक चीज़, एक काम कर लेते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आपको सहज योग से जुड़ना है तो कम से कम एक महीने का समय ज़रूर दीजिए सहज योग को, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बस एक महीना दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ,
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।